Hey guys, welcome back to the YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Arun और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो पे जहाँ पे हम बात करेंगे the much awaited video जो काफी लोगों ने काफी टाइम से डिमांड करके रखा था कि ग्रीन लिस्ट क्या है, ग्रीन लिस्ट कोर्सेज पे वीडियो बनाइए, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और अगर बेनिफिशियल है तो कैसे बेनिफिशियल है। तो ये वीडियो है ग्रीन लिस्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं बता दूं कि बाय द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो हमारी चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों के सपोर्ट से हम जो जर्नी है 10,000 सब्सक्राइबर्स तक की वो कंप्लीट कर पाए हैं। लेकिन इस जर्नी को मूव फॉरवर्ड करने के लिए आप लोगों का और भी सपोर्ट चाहिए रहेगा, कंटिन्यूअस सपोर्ट चाहिए रहेगा। सो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हो और अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगता है तो उसको शेयर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो YouTube एल्गोरिदम इस चीज़ पे चलता है कि जितने व्यूज़ और शेयर वीडियो पे ज़्यादा आएंगे उतना व्यू ज़्यादा मिलेगा उस वीडियो को, वो वीडियो इतना पुश होगा आपकी स्क्रीन्स पे। तो हाँ, ये थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से कि जब भी आप वीडियो देखिए तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जान पहचान वाले लोगों में उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब बात को शुरू करती है इस वीडियो के बारे में कि ग्रीन लिस्ट कोर्स क्या है। काफ़ी जगहों पे आपने न्यूज़ में देखा होगा, लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि ग्रीन लिस्ट कोर्स लेके जाना तो पीआर के लिए जाना न्यूजीलैंड में इजी रहेगा। एक्चुअली न्यू पीआर रूल्स के बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करता है स्पेसिफिकली ग्रीन लिस्ट के बारे में। ग्रीन लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने एक स्पेसिफाई लिस्ट किया है और इस लिस्ट में ऐसे ऑक्यूपेशंस है, ऐसे कोर्सेज है जिनकी न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। ग्रीन लिस्ट को फर्दर उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ग्रीन लिस्ट टीयर 1 एंड ग्रीन लिस्ट टीयर 2। द बेसिक डिफरेंस इन दोनों टीयर में ऐसा है कि अगर आपको ग्रीन लिस्ट टीयर 1 के अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिकेशन की जॉब मिलती है, आपके पास उसका क्वालिफिकेशन है, तो यू कैन स्ट्रेट अवे अप्लाई फॉर द रेसिडेंसी। यस, यू हर्ड इट राइट, ग्रीन लिस्ट टीयर 1 के अंडर आप स्ट्रेट अवे रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रीन लिस्ट टीयर 2 का क्वालिफिकेशन, जॉब प्रोफाइल, कोर्सेज वगैरह है, तो वो एज अ कंसिडर होता है पाथवे टू रेसिडेंस वीज़ा, जिसमें 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका होगा, उसके बाद आप पीआर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये ग्रीन लिस्ट कोर्स इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ग्रीन लिस्ट कोर्स आप इंडिया से यहाँ आते हो तो इसी ग्रीन लिस्ट को आप एनालाइज करके आपका जो भी कोर्स है वो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे वर्क परमिट भी इजीली, मतलब जो रिक्वायर्ड वर्क परमिट है वो भी मिल जाएगी और ग्रीन लिस्ट में आपका पीआर भी बहुत जल्द हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ऑलरेडी आप न्यूजीलैंड में हो फिर भी आप ग्रीन लिस्ट को असेस कर सकते हैं। मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और बात करते हैं क्या है ग्रीन लिस्ट, क्या कौन कौन सी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो बेसिकली आप जब गूगल करोगे तो आपको जस्ट सिंपल टाइप करना है ग्रीन लिस्ट इमिग्रेशन न्यूजीलैंड, तो पहली लिंक आएगी ग्रीन लिस्ट रोल्स की। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा ही है कि सर्च द ग्रीन लिस्ट रोल्स इन डिमांड इन न्यूजीलैंड, इफ़ योर रोल इज लिस्टेड एंड यू हैव द क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यू मे बी एबल टू गेट रेसिडेंस इमीडिएटली और आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ वर्किंग हियर। ये जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ग्रीन लिस्ट को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, 1 इज ग्रीन लिस्ट टीयर 1 जो आप स्ट्रेट अवे रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो, और दूसरा ग्रीन लिस्ट टीयर 2 जिसमें 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्लियरली मेंशन है वेबसाइट पे, देखो यहाँ भी मेंशन है द रोल इज टीयर 1 फॉर स्ट्रेट टू रेसिडेंसी एंड टीयर 2 फॉर वर्क टू रेसिडेंसी वीज़ा। अब रेसिडेंसी है तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग आपको ऐसे ही रेसिडेंसी दे देंगे, उसके पीछे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होगी जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ से जो 2 कैटेगरी है, पहले तो आपको ये चूज़ करना है कि आपका जो कोर्स है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ में आता है। तो अगर आप स्ट्रेट टू रेसिडेंसी वीज़ा की बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो है टीयर 1 ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पे है ग्रीन लिस्ट रोल्स। देखो ये रिक्वायरमेंट है कि योर रोल मस्ट बी ऑन टीयर 1 ऑफ ग्रीन लिस्ट एंड मीट द रिक्वायरमेंट सेट ऑफ रूल्स
इन द ग्रीन लिस्ट ऑफ योर रोल। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो ग्रीन लिस्ट के जो रोल्स खुलेंगे यहाँ पे आपको देखो ये सारे रोल आ गए और रोल के नीचे लिखा है कि ये कौन सा रोल है, मतलब टीयर वन का रोल है या टीयर टू का रोल है। तो ये पूरा जो है वो लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसको आप फर्दर नैरो डाउन भी कर सकते हो कि मान लीजिए कि कोई इंसान समझ लीजिए, हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं इंजीनियरिंग फील्ड का, कि कोई इंजीनियरिंग फील्ड का इंसान है जो इंडिया में उन्होंने इंजीनियरिंग की है और उनको यहाँ पे आना है। फॉर सपोज़ हम सिविल इंजीनियर की बात करते हैं क्योंकि इंडिया में काफ़ी तरह लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग करी होती है। तो जैसे ही इंजीनियर करके सिविल इंजीनियर सर्च करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट है वो फर्दर नैरो डाउन हो जाएगा। तो देखो ये है सिविल इंजीनियर का जो रोल है वो करंटली है टीयर वन रोल एलिजिबल टू फॉर स्ट्रेट टू रेसिडेंस। अब जब इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी है जो ग्रीन लिस्ट रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर यहाँ तक कोई वीडियो देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग करना काफ़ी कॉमन चीज़ है, लाइक आप भी आपके दोस्तों में से दो चार ऐसे होंगे जो सिविल इंजीनियर किए हुए होंगे, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आपने इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग किया है तो सीधी आपको यहाँ की रेसिडेंसी मिल जाएंगी। ना, ये एक पाथवे है जिसमें ये रोल एलिजिबल है फॉर गेटिंग अ स्ट्रेट टू रेसिडेंस, बट यू हैव टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया। तो वो जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जो कि है ग्रीन लिस्ट रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि यू मस्ट हैव वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो चीज़ है ना उसमें से आपको कोई एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग विथ ऑनर्स NZQA लेवल 8, मतलब न्यूजीलैंड में की हुई सिविल इंजीनियरिंग की स्टडी जो लेवल 8 के इक्विवेलेंट होती है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर इंसान इंडिया में है तो न्यूजीलैंड में उसकी डिग्री तो होगी नहीं। तो तीसरा पॉइंट है कि अ क्वालिफिकेशन एट NZQF लेवल 7 और हायर विथ अ लेटर फ्रॉम इंजीनियरिंग न्यूजीलैंड सर्टिफाइड दैट द डिग्री, पढ़ लेना जो भी पूरा है। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ है कि अगर आपने इंडिया में स्टडी किया हुआ है तो आप इंडिया की डिग्री यहाँ पे उसको NZQA के थ्रू असेस करवा सकते हैं। मतलब वो एक ऐसी प्रोसीजर है कि वो आपकी इंडिया की डिग्री उठा के असेसमेंट करके आपको एक लेटर प्रोवाइड करेंगे कि आपकी इंडिया की जो डिग्री है वो न्यूजीलैंड के किस क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट है। तो विच इज़ अगर आपने वो असेसमेंट करा लिया तो आपके पास एक ऐसा लेटर होगा जो बताएगा कि आपकी इंडिया की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री विच इज़ इक्विवेलेंट टू न्यूजीलैंड की सिविल इंजीनियरिंग की ये लेवल की डिग्री। तो इस वे के थ्रू आप जो आपकी स्टडी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन की वो एक फुलफिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे लिखा है देखो यू मस्ट अर्न एट लीस्ट द मीडियन वेज और अबव फॉर द एम्प्लॉयमेंट। अब मैं अगर बात करूं तो न्यूजीलैंड में मिनिमम जो वेज है वो 22.70 है, लेकिन एक और वेज आता है जिसको बोलते हैं मीडियन वेज। मीडियन वेज प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली ऐसी फील्ड में ऑफर किया जाता है जहां पे स्किल शॉर्टेज है, जैसे कि हमने ये देखा है ये ग्रीन लिस्ट के जो कोर्स है उसमें ये मस्ट रिक्वायरमेंट है कि ये इसमें से आप कोई भी क्वालिफिकेशन उठाएंगे आपको मीडियन वेज मिनिमम आपको मिलना ही चाहिए। तो ये डिग्री क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक दूसरी चीज़ है कि आपको न्यूजीलैंड में बैठा हुआ कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देना चाहिए एट स्पेसिफिक मीडियन वेज फॉर द स्पेसिफिक रोल दैट इज मेंशन्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो उस बेस पे आप यहाँ की स्ट्रेट टू रेसिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस ग्रीन लिस्ट। हुई ना सिंपल बात, लेकिन सिंपल है लेकिन कुछ जैसे मैंने बताया कि विथ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स यू नीड टू फॉलो। तो ऐसे ही ये फिल्टर को यूज़ करके आपकी जो भी फील्ड है वो यहाँ पे डाल के देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हो सकते हो या नहीं हो सकते। नाउ वर्क टू रेसिडेंस वीज़ा की अगर बात करें तो जैसे हमने बात की कि ये है लेवल टीयर टू, ग्रीन लिस्ट लेवल टीयर टू। तो जैसे इन सब के नीचे टीयर वन लिखा है ना, हाँ अब ये है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन,
इसके नीचे लिखा है टीयर टू रोल एलिजिबल फॉर वर्क टू रेसिडेंस पाथवे। तो अगर आपके पास ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन की डिग्री है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो आपको सर्टिफिकेशन तो चाहिए। यहाँ पे भी लिखा है कि पे फॉर द एम्प्लॉयर टू बी एटलीस्ट द मीडियन वेज और अबोव। जैसे मैंने बोला कि मीडियन वेज इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे लिखा है कि पाथवे टू रेसिडेंस कैसे होगा, तो इफ़ यू आर वर्किंग इन दिस रोल एंड आर एलिजिबल यू कैन अप्लाई फॉर रेसिडेंस आफ्टर 2 ईयर्स वर्किंग इन न्यूजीलैंड। तो ये चीज़ है। तो स्ट्रेट अवे दो चीज़ें हैं ग्रीन लिस्ट के बारे में। तो बेनिफिशियल ये तभी रहेगा आपके लिए कि मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो तो आप ऐसा कोर्स सिलेक्ट करो जो ग्रीन लिस्ट के अंदर पड़ता है, ताकि इजीली आपके पास एक गारंटी हो कि जैसे ही मैं कोर्स कंप्लीट करूँगा, देखो कोर्स अगर ग्रीन लिस्ट में होगा तो उसका जो डेजिग्नेशन होगा, उसका जो जॉब रोल होगा, वो भी ग्रीन लिस्ट के अंदर आएगा। तो जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करोगे आपको सीधा उसी फील्ड में आपको जॉब मिलेगी, उसी डेजिग्नेशन पे जॉब मिलेगी जो ऑलरेडी ग्रीन लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो आपके पास एक क्लियर पाथवे होगा कि स्टडी कंप्लीट करनी है, जॉब लेनी है, 2 साल उस फील्ड में उस पोजीशन पे जॉब करनी है, और ग्रीन लिस्ट के अंडर आप सीधा 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद वर्क टू रेसिडेंस वीज़ा फाइल कर पाएंगे। या फिर आपने ऐसा कोर्स चूज़ किया है जो ग्रीन लिस्ट टीयर 1 के साथ मैच होता है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडी एंड अगर आपको जॉब मिलती है एट मीडियन वेज, इमीडिएटली आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर द रेसिडेंसी। तो इसीलिए ग्रीन लिस्ट और कोर्स सिलेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट होता है इसी रीज़न के वजह से। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने काफ़ी हद तक अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मैं एक्सप्लेन कर पाया होऊंगा आपको, और आपको ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल भी लगा होगा। तो जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि अब से मेरा कोई भी वीडियो आता है तो एक सपोर्ट दिखाने के लिए आप उस वीडियो को लाइक कमेंट तो किया ही करो, लेकिन उस वीडियो को आप शेयर करना शुरू करो, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे ना यूट्यूब का एल्गोरिदम उस वीडियो को उतना आगे पुश करेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता है फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अरुण।